अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ स्पाइसेस। आज हमारे किचन में फ्रंटियर राइस बन रहे हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए चिकन मैंने लिया हुआ है, ये हाफ के जी है और इसे इस तरह से एक एक इंच के क्यूब्स में काटा हुआ है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा, ये इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद टिक्का मसाला चाहिए, ये मेरा होममेड है और घर में टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला किस तरह से बनता है वीडियो मेरे चैनल पे है, लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, चेक कर लीजिएगा। ये हम इसके अंदर डाल देंगे, 2-3 टेबल स्पून डालिए। थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है फ्रेंची राइस में चिकन, इसलिए मैं 3 टेबल स्पून टिक्का मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके साथ ही हमें दही चाहिए होगा, योगर्ट ये डाल दीजिए, हाफ कप है, थोड़ा मैं बचाऊंगी, हमें बाद में इसकी ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और इसको मुझे मैरिनेट करना है। 10 से 15 मिनट इनफ होंगे, इसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगी जो मैंने काट के रखी हुई हैं। इसमें बंद गोभी है जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में काटा हुआ है, आप देखिए। टमाटर लिए दो बड़े साइज़ के, इन्हें भी इस तरह से काटा हुआ है, बीज इनके मैंने निकाल दिए थे। और शिमला मिर्च ये भी इस तरह से क्यूब्स में कटी हुई है। इन तमाम चीज़ों को, ये जो दही मैंने बाकी बचाया हुआ है, इनके साथ मैरिनेट कर देंगे। कुछ भी नहीं, सिर्फ ये दही डालना है इसके अंदर और इसको भी मिक्स करके हम 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे। दही डालने की वजह ये है कि सब्जियां जो हैं वो दही के साथ मैरिनेट होने के बाद जब पकती हैं तो घुलती नहीं हैं, ये भी टिप है याद रखिएगा। जब भी चाइनीज़ बनाएं 2-3 टेबलस्पून दही के साथ सब्जियों को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर दिया करें। इसको भी हम छोड़ देंगे और इसके बाद हमें चूल्हे की तरफ जाना है। हाफ के जी राइस लिए हैं मैंने इसके लिए और जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले सो करके रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें राइस को बॉईल करना है। पानी ले लिया है मैंने एक पैन में, इसके अंदर सॉल्ट जाएगा, 1 टेबल स्पून डाल दीजिए, हाफ के जी राइस है। येलो कलर हम डाल देंगे, और राइस को हमें बॉईल कर लेना है बिल्कुल जैसे हम बिरयानी के लिए बॉईल करते हैं वैसे। इसके लिए अब हमें चिकन को प्रिपेयर करना है। पैन के अंदर मैंने ऑयल डाला है, 1/4 कप से कम, 4 टेबलस्पून ऑयल था, और इसके अंदर ये मैरिनेटेड चिकन जाएगी और चिकन को मुझे कुक कर लेना है। चिकन दही के पानी के साथ पक रही है और हम इसे इतनी देर पकाएंगे कि जो भी लिक्विड है इसके अंदर से ड्राई हो जाए। लिक्विड इसके अंदर से ड्राई हो गया है, अब इसके अंदर ये वाली वेजिटेबल्स हम डाल देंगे। आंच मैंने तेज़ की हुई है और इसे पकाना है ताकि सब्जियों के अंदर जो दही था वो भी ड्राई हो जाए, लेकिन सब्जियां क्रंची रहनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको मैंने 5 मिनट के लिए पका लिया है और सब्जियों के अंदर दही डालने से आप देखिए सब्जियों का कलर अभी तक अच्छा है और इनका क्रंच भी नहीं गया है। ये देखिए कितना अच्छा इनका कलर लगा है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि सब्जियों को हमने दही के साथ मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसकी फ्लेम मैं अब ऑफ कर रही हूँ और अब हमें चावलों को स्ट्रेन करना है। चावल मैंने बिछा दिए हैं पैन में नीचे और ये सारी ग्रेवी है निकाली थी, ये इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर ये बाकी के राइस जाएंगे और अब हम इसे दम के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फ्रंटियर राइस रेडी हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में कोई और रेसिपी होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।